दिस इज विक्रम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनवर्स एंड एडजेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ये उसका पार्ट टू है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। बाकी के कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था, कमेंट सेक्शन में बताना था आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर क्या होती है। सिंगुलर क्या होती है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तब ये यहाँ पर है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन वन एक्स माइनस टू 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 थ्री वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? यानी यहां हम प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग आर वन। तो यहां आप देख सकते हो वन टू थ्री जा सिक्स माइनस टू प्लस टू थ्री वन जा थ्री माइनस एक्स देन प्लस थ्री 2 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां आप देख सकते हो माइनस एट प्लस टू थ्री जा सिक्स ओके एंड माइनस टू एक्स। यहां पर आपके पास ये क्या आएगा, थ्री, यही यहां पर नहीं आएगा, थ्री थ्री आया देन टू माइनस टू एक्स। ठीक है, यहां पर आपके पास आया 2x और ये प्लस 3 टू जा 6 माइनस 3 टू जा 6x इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हो ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया, माइनस 8 था, इसे हम लिख सकते हैं 6 और माइनस 2 माइनस 8x इज इक्वल टू, इधर भी माइनस 8 है आपके पास, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस 8 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1। इस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, सिंगुलर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, यहां पर ये एफ ऑफ अल्फा, इसे हम अल्फा पढ़ते हैं, cos x cos alpha minus sin alpha 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1 sin alpha cos alpha। इस टाइप का क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी था, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में था, जिसमें cos x plus y वाले टर्म्स में था। यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स फाइंड होता है देन ये प्रूव करना है, बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। किस तरह से, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपने इस क्वेश्चन को लिखा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा जीरो साइन एल्फा कॉस एल्फा जीरो देन जीरो जीरो और एक बहुत खूबसूरत वन। ये क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहां मैं एक डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, ये प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग आर वन, एक्सपेंड अलोंग आर वन, ध्यान से सुनना। ये कॉस एल्फा लिखा, इसको इससे किया कॉस एल्फा माइनस जीरो, इसको इससे करेंगे तो देन माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, इसको इससे किया साइन अल्फा, इसको इससे किया जीरो। क्लियर? फिर तीसरा, तीसरा ऑलरेडी जीरो है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर आ जाएगा। आप यहां देख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है वन। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। इसका मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स एग्जिस्ट।
अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका एडजोइंट निकालो। एडजोइंट का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले माइनर कोफैक्टर, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज, और जो ट्रांसपोज निकलता है वही कोफैक्टर, वही एडजोइंट ऑफ ए होता है। यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। एडजोइंट ऑफ ए निकालने के लिए अगर हम बात करें, एडजोइंट ऑफ ए तो ये एक तरह से होता है सी का ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं सभी एलिमेंट्स के, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए सी वन वन की बात कर रहा हूं, -1 की पावर 2, m11 m11, इसके लिए क्या होगा कॉस अल्फा। अगर आपको इसमें अभी भी दिक्कत आ रही है माइनर और कोफैक्टर में, तो पहले वो वाला टॉपिक क्लियर कीजिए, अधिकतर क्वेश्चन में वो ही कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसलिए बोल रहा हूं। इसे आप सॉल्व करोगे, ये आ गया आपका कॉस अल्फा, देन C12 निकाला हमने -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट है ये कॉलम, ये रो गया, कितना आया साइन अल्फा, तो ये हुआ -साइन अल्फा। क्लियर, C13 की बात कर रहा हूं, -1 रेस्ट टू द पावर 4, तो ये 0 0, ये आया 0। देन अब बात करेंगे सी, यहां कर देता हूं, C21 -1 रेस्ट टू द पावर 3, ये गया, इसको मल्टीप्लाई किया -साइन अल्फा, सॉल्व करेंगे +साइन अल्फा। C22 कितना आया -1 रेस्ट टू द पावर 4, इस एलिमेंट के लिए कॉस अल्फा के लिए ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। C23 -1 रेस्ट टू द पावर 5, ये गया, ये गया, अब क्या बचा, ये 4 बचे, 0 आएगा, छोड़ दो 0। समझ में आया, आगे चलें। C31 की बात कर रहा हूं, -1 की पावर 4, ये रहा 31, ये गया, ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे किया 0, कितना आया 0। C23 32 की बात कर रहा हूं, -1 रेस्ट टू द पावर 5, ये गया, ये गया, ये 0, ये 0, एंड देन C33 -1 की पावर 6, ये गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कितना आया 1। ये समझ में आया, ये आपने कोफैक्टर निकाला है। अब इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्मेट में रख देते हैं, कितना आया कॉस अल्फा, फिर -साइन अल्फा, फिर 0, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, फिर 0, और फिर 0 0 1। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, जो रो है उसे बना देंगे कॉलम, तो कॉस अल्फा -साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये आपने जो निकाला है ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये समझ में आया, इसे आप एक बार चाहो तो नोट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया आपने, और ए आपका ऑलरेडी 1 आ गया था, ये भी रफ करते हैं। देखिए ए इनवर्स 1/1, और यहां पर ये पूरा आ जाएगा, ये समझ आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है आपको। अब यहां पर हम बात करेंगे, ए इनवर्स फाइंड हो गया, अब बात करेंगे किसकी, ए इनवर्स ए बराबर कितना होता है I3, ए इनवर्स ए बराबर कितना होता है I3। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं,
ए इनवर्स ए हमने इसका बराबर होता है आई थ्री। आई थ्री क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ ऑर्डर थ्री। चलिए अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ए इनवर्स और ए इनवर्स आपके पास वो रहा, ए आपके पास ये रहा, लिखने में कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस वही सब में अप्लाई होगा। मैंने पहले ही कहा था मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका एडजॉइंट नहीं हो सकता, इन्वर्स नहीं हो सकता, क्लियर? चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस को कॉस से किया, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको, फिर जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो ही हो गया। कॉस को इससे किया, कितना आया? माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन को इससे किया, प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। और जीरो को इससे किया, जीरो। और तीसरी वाली टर्म में देखो, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो। तो ये तीसरा वाला अब डायरेक्ट पूरा मैंने जीरो लिख दिया। नेक्स्ट देखें, आर टू को, अभी हमने किसको किया? आर वन को। अब किसको कर रहे हैं? आर टू को। किससे करेंगे? एक बार सी वन से, एक बार सी टू से, एक बार सी थ्री से। समझ में आ रहा है आपको? माइनस साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको इससे किया तो आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा। समझ में आया? फिर इसको, फिर जीरो को जीरो से करोगे वो तो जीरो हो ही गया। फिर इसको इससे किया, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको इससे किया कॉस स्क्वायर अल्फा। और फिर जीरो को जीरो से किया जीरो। इसी तरह इसको इससे किया जीरो जीरो और जीरो। फिर यहां देखिए, ज्यादा बड़ा बन गया है, तो यहां देखिए, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, फिर इसको इससे किया जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और फिर वन को वन से कर देंगे तो, मतलब इस वाली लाइन को देखो, जीरो को जीरो से किया जीरो, जीरो को जीरो से किया जीरो, वन को वन से किया वन, तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन। ये समझ में आया आपको? अब देखिए ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन। जगह ही नहीं है यार, कहां पर लिखूं? यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन। ये शहीद हो गया, जीरो। ये जीरो, ये जीरो, ये वन, वो जीरो, ये दो वैसे जीरो, और ये वन आ गया। और ये पूरा क्या है? आई थ्री राइट हैंड साइड। समझ में आया? इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने क्या किया? इनवर्स को इसे गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। क्लियर हुआ? नहीं हुआ, वीडियो को पॉज करो और वापस देखो इसको, कि यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में मैंने, देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम मेन पार्ट बात करें तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही है। विदाउट मल्टीप्लीकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी हार्ड भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सीखना है। मल्टीप्लीकेशन के अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो, फिर 11वें पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अलग अलग तरीके से बना बना के, जैसे जैसे आप बना सकते हो वैसे बना के कर लो। ये मैंने पहले निकाल के यहां पर लिख दिया। चलिए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट इसका और भी इजी है। कैसे इजी है? देखिए, ए इनवर्स बराबर एफ माइनस एल्फा है, ये प्लस एल्फा है, इसको माइनस एल्फा कर देते हैं। इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड लिया, एफ माइनस एल्फा, तो कितना हो जाएगा ये? कॉस
कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा फिर जीरो साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा जीरो 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 वन। ये वही क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर थ्री में किया था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। अब आप देखो मुझे दो बात बता दो, आप इसका आंसर खुद ही निकाल सकते हो। पहला, कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस माइनस अल्फा कितना होता है? कॉस अल्फा, और साइन माइनस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, ऐसा ही कुछ होता है। तो इन दोनों की जगह इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। ये देखो ये दोनों में इसमें रख रहा हूं, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो जीरो वन। देखो दोस्तों ये देखो बराबर है, क्या कहा था इसने कि ए इनवर्स बराबर इसके है, तो हमने क्या किया राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लिया, ये इसका कौन सा हिस्सा आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, प्रोसेस सेम ही है क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम स्टेप्स आपको बता दिए हैं, एडजेंट ऑफ है किस तरह से निकालना है, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इस क्वेश्चन को आपको करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं, आया तो यस, नहीं आया तो नो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू वन माइनस वन टू माइनस वन देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। एक बात मेरी ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक करोगे, डेफिनेटली करोगे, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चलिए देखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए क्यूब आपको प्रूव करना है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? माइनस वन प्लस टू विच इज वन। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा? प्लेस चेंज साइन चेंज, प्लेस चेंज साइन चेंज। अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो माइनस वन है तो ये पूरा चेंज होगा ऊपर वाले से इस वाले से, ठीक है, और इनके साइन चेंज माइनस टू प्लस वन। अब ए इनवर्स, अब इससे ये प्रूव हुआ, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, अब आपको ये इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि ए क्यूब जो है आपको ये प्रूव करना है ना, ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको ए क्यूब निकालना है। लेकिन ए क्यूब की बात हम करेंगे तब जब ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकते हैं और इसको भी हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। ए डॉट ए बराबर आपके पास हो जाएगा वन माइनस वन टू माइनस वन, यहां पर भी वन माइनस वन टू माइनस वन। सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू कितना हुआ माइनस टू, फिर इसको इससे किया माइनस वन और इसको इससे किया प्लस वन, ठीक है। देन इसको इससे किया कितना आया टू, इसको इससे किया कितना आया माइनस टू, इसको इससे किया कितना आया माइनस टू, इससे किया प्लस वन। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, ये क्लियर हुआ। ये आपने क्या निकाला ए स्क्वायर, अब क्या निकालेंगे हम ए क्यूब। ए क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है आपका माइनस वन जीरो, यहां पर ये कितना होगा, ए की वैल्यू है वन माइनस वन टू और माइनस वन। सॉल्व करते हैं इसे, माइनस वन को इससे किया माइनस वन, जीरो को इससे किया जीरो, माइनस वन को इससे किया प्लस वन, इसको जीरो से किया जीरो, जीरो को इससे किया जीरो, इसको इससे किया माइनस टू, इसको इससे किया माइनस वन सॉरी जीरो, और इसको इससे किया प्लस वन, माइनस वन वन माइनस टू वन, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यहां पर।
इसका मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ इसका? इक्वल। क्लियर हो गया? ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट था क्वेश्चन का। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी छोटी होती है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन जो है इसका वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए, ए ट्रांसपोज और ए का, ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन में दो बात ध्यान रखना, आपको दे रखा है किसमें गिवन है, आपको टेन में, आपसे पूछ किसमें रहा है, साइन और कॉस में। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में भी आ चुका है एक बार। देखिए करना कैसे है, हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम तो जगह चाहिए, इसे जो रो है उसे कॉलम बना देते हैं, तो 1 tan alpha -tan alpha एंड 1, ये क्लियर हुआ। अब ए इनवर्स निकालते हैं, 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 plus 10 square alpha। क्लियर हुआ? अब हम क्या निकालेंगे, अब इसे आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए है आपका प्लेस चेंज साइन चेंज, ये प्लेस चेंज और ये साइन चेंज, तो ये ए इनवर्स आ गया 1 upon 1 1 tan alpha -tan alpha 1, ये आपका बेसिक सा हुआ। अभी हमने क्या, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ठीक है, कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज देखिए क्या है, 1, अच्छा चलो एक बात और बता देता हूँ, 10 alpha -10 alpha 1 और ए इनवर्स से आपका 1 tan alpha -10 alpha और 1। एक बात ध्यान रखना, ए इनवर्स जो है ना वो कितना है, 1 upon determinant of a 1 upon adjoint of a, यहां पर कितना आएगा, यहां पर ये आएगा 1 plus 10 square alpha। ठीक है, ये यहां पर 1 plus 10 square alpha है, तो अब इसके बीच में आप लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं है, और अगर आप इसे यहां पर लिखते हो ना तो भी कोई फर्क नहीं है। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई करना है तो 1 upon 1 plus 10 square alpha तो बाहर आ गया आपका, इस 1 को इस 1 से किया 1, इसको इससे किया -10 square alpha। ठीक है, फिर इस 1 को इससे किया -10 alpha, इसको इससे किया -10 alpha, इस 10 को इससे किया 10 alpha, इस 1 को इससे किया +10 alpha, इस 10 को इससे किया -10 square alpha, इस 1 को इससे किया 1। ठीक है, दो तरीके हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो सकता है, 1 minus 10 square alpha 1 plus 10 square alpha, ये हो जाएगा -2 tan alpha अपॉन 1 plus 10 square alpha। सेम वही क्वेश्चन है, ज्यादा भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन भी आपका वही है, थर्ड चैप्टर का मैट्रिक्स में भी है ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा 2 tan alpha डिवाइडेड बाय 1 plus 10 square alpha, ये हो जाएगा 1 minus 10 square alpha अपॉन 1 plus 10 square alpha, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक करने के बाद दो ही तरीके हैं, पहला आप खुद के अपनी चालाकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, जो इसने पूछा है वो लिख दो, पहला तरीका तो यही। दूसरा तरीका क्या है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिंपल है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, cos 2 alpha, ये किसका है, sin 2 alpha का, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का sin 2 alpha।
ये साइन टू अल्फा, ये कॉस टू अल्फा, ये इसका आंसर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस 17 i। यहां पर ये जो जीरो जैसा दिख रहा है नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, और उसके बाद आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करें, ए स्क्वायर होता है ए डॉट ए, ए कितना है आपके पास 2 माइनस 3, 3 एंड 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 -9, 2 3 जा 6 -12, 3 2 जा 6 -12 एंड 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये क्लियर हुआ? इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4 -9 -5 -18 +18 और ये आ जाएगा 7। ये आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या प्रोसेस है क्वेश्चन का? ए स्क्वायर -6a प्लस 7i इज इक्वल 17i बराबर 0। ये i यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -5 -18 +18 7 -6। 6 से ए को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्या यहां पर -6 है तो ऐसा नहीं हो आप माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो, अभी सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बाद में माइनस करेंगे। और ये 17 0 7 0 17, ठीक है, इज इक्वल टू, ये चारों जीरो होंगे, नल मैट्रिक्स है क्योंकि शो भी करना है प्रूफ भी करना है, अगर नहीं लिखा हो तो ये शो भी करना होगा। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए -5 -12 +17, -18 माइनस माइनस +18 और बस 18 -18 0, 7 -24 -17 +17। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हुआ 0, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा 17 और 3 20 और 4 24, 0, चारों 0, ये हो जाएगा इस तरह से 0 0 0 0। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड करेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला अब तो रट गया होगा शायद आपको, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 8 8 16 प्लस 1 17। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की, कितना होता है एडजॉइंट ऑफ ए, प्लेस चेंज साइन चेंज। क्लियर? ए इनवर्स के फॉर्मूले में रख देते हैं, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 4 माइनस 3 3 और 2, ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपको आता भी है लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ।